हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक वीवो का फ़ोन है Y12। आपके पास कोई भी फ़ोन है Y12, Y15, Y17, Y19, तीनों में ये एरर आ रही है UMT में, इसको अनलॉक करने टाइम में ट्राइंग टू क्रैश का, ठीक है, और फ़ोन हमारा रिस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको इसका कैमरा ओपन करके इसका मैं मॉडल दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, वीवो 1901। तो इसको अनलॉक करना इतना ईजी है वो मैं UMT डोंगल से बताऊंगा, कोई अनलॉक टूल वगैरह या कोई अनदर टूल का मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ आपको। इसको अनलॉक करने के लिए UMT डोंगल से बताऊंगा और बिल्कुल सेफ मेडर कि हमारा अनलॉक करने के बाद फ़ोन डेड ना हो, क्योंकि अनलॉक टूल से फ़ोन अनलॉक करने के बाद में फ़ोन डेड हो रहे हैं। तो ये देखिए, हम आ गए डायरेक्ट अपने PC पे। ठीक है, तो ये देखिए अभी 5.0 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। यहाँ से हम जब इसको ऑल इन वन में यहाँ से हम फॉर्मेट करते हैं ना, तो ट्राइंग टू क्रैश का एरर आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देख के अगर आपका काम होता है तो कमेंट भी ज़रूर करें। और यहाँ पे देखिए, ये दिक्कत हमारा आ रहा है, प्री लोडर मोड डिटेक्टेड ट्राइंग टू क्रैश। ठीक है, इतना पे ही फ़ोन रुका रहता है और फ़ोन यहाँ से हमारा रिस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं देखिए, डिसकनेक्ट फ़ोन फेल्ड, प्री लोडर मोड डिटेक्टेड, ट्राइंग टू क्रैश फेल्ड, फ़ोन हमारे यहाँ से हो गया रीस्टार्ट। तो इसको कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए यहाँ पे देख ले, बस ये थोड़ा सा है यहाँ पे ट्रिक है, वो बस आपको ट्रिक अपनाना है। ठीक है, इतना करने के बाद तो इसमें कुछ बचता ही नहीं है। वीवो, यहाँ से आपको ब्रांड सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हो, Y12, 15, 17, 19, कोई भी चारों में से कोई सिलेक्ट कर लीजिए, सबका सेम। तो अभी मेरे पास Y12 है, तो मैं Y15 ही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप कोई भी हो, Y12, 15, सबका सेम DA फाइल है, सेम CPU सब में लगा हुआ है, तो सबका फाइल एक ही है। तो फ़ोन को ऑफ कर लेते हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर लेना, Y12, 15, 17 तीनों में एक ही लगा हुआ है। तो यहाँ से देखिए, फैक्ट्री रीसेट टू मेटा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ से वीवो अपना Y15 या Y12 कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट टू मेटा पे क्लिक कर देना। ठीक है, बिल्कुल सेफ मेटड, फ़ोन इसमें डेड भी नहीं होता है, अनलॉक टूल से तो फ़ोन भी डेड हो जाता है। तो यहाँ से वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के सेम आपको PC से कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए, रिबूटिंग टू मेटा मोड में ये रिबूट हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नीचे कॉर्नर साइड में मेटा मोड लिख के आएगा। बहुत ही सिंपल इजी पे है, बिठाओ डेट ट्रिक। सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें डेट वेट का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, तो आपको इसका कॉम्पोर्ट में डिवाइस मैनेजर में शो करता हूँ। देखिए, हमारा मेटा मोड में फ़ोन चला गया, मेटा मोड में ये फॉर्मेट होता है फ़ोन, इसमें लिखा नहीं आ रहा मेटा मोड, बट ये मेटा मोड में चला गया है। ये देखिए, यहाँ पे सारा वर्जन फॉर्मेट वगैरह हो गया, स्टार्टिंग फैक्ट्री रीसेट सक्सेस। ठीक है, और फ़ोन ये अपना देखिए, फिर चार्जिंग का ये रिस्टार्ट नहीं दिया, ये चार्जिंग का लोगों पे आ गया। ठीक है, अब फ़ोन में देखते हैं कि हमारा फ़ोन डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ, लॉक हटा या नहीं हुआ, फ़ोन फॉर्मेट हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि चालू होने में फ़ोन को 2 से 3 मिनट टाइम लग सकते हैं।
तो फ़ोन यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली चालू हो गया है। अब इसमें गूगल ऑफ भी होगा, FRP भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ से ओनली इसको फैक्ट्री रीसेट टू मेटा मोड में ओनली फॉर्मेट किया है, इसका FRP नहीं हटाया है। तो चलिए इसको, इसका FRP भी हटा लेते हैं पहले, ठीक है। तो FRP के लिए बस वही वाले टैब में देखिए, ऊपर में राइट साइड में एरो जहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे सिंपली क्या करना है, रिसेट FRP क्लिक कर देना। आप यहाँ पे देखना, हाँ रिसेट FRP क्लिक कर देना। उसके बाद सेम फ़ोन को वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के कनेक्ट करना और फॉर्मेट कर देना, ठीक है। प्लस माइनस दबाना है और कनेक्ट कर देना है। ये हमारा पोर्ट बना दिया, फ़ोन कनेक्टेड। 5 सेकंड में FRP ख़त्म इसका भी, और फ़ोन को बस अब स्किप किए जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं, ताकि जो भी भाई लोग वीडियो देखे तो कमेंट देख के समझ जाए खुद का काम होने वाला है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपको कमेंट करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो आप बेशक कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो कहाँ से थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। तो फ़ोन हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो इसका एंड्रॉयड सिक्रेटरी वर्जन सारा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका वॉट सिस्टम मैनेजमेंट, वॉट फोन, तो इसमें देखिए इसका एंड्रॉयड वर्जन 11 है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का अपडेट है इस फ़ोन में। 2022 का इसमें सिक्रेटरी पैच अपडेट है, जैसा कि देख पा रहे हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट।